नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनिष्क कटारिया जी की, जो कि आईएएस टॉपर हैं। इनका मैंने जगह जगह पर अभी टीवी चैनल पर भी इंटरव्यू देखा, तो कुछ चीज़ें निकल के आई जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे कि जो है आप लोग भी पढ़ाई के प्रति मोटिवेटेड हो सकें और किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है वो भी थोड़ी सी समझ सकें। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कनिष्क कटारिया जी के बारे में। इन्होंने अभी, आपको तो सबको पता ही है कि आईएएस का जो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो टॉप की है, यूपीएससी टॉपर रहे हैं, जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने टॉप किया है। ये सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट अटैम्प्ट में टॉप किया है। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने इंजीनियरिंग की, और इसके साथ में ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो है इन्होंने एकदम से तैयारी स्टार्ट कर दी हो। उसके बाद 3 साल इन्होंने लगभग जॉब भी की है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब भी की है। और जब इनसे पूछा गया कि कोचिंग आपने कितना किया, तो इन्होंने ये सिर्फ इतना बताया था कि बेसिक कोचिंग किया था, उसके बाद जो ज़्यादातर रहा वो सेल्फ स्टडी का ही रहा, सेल्फ स्टडी ही की है। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, कई बार भी मैंने आपसे कहा होगा कि देखिए, कोचिंग संस्थान भी अपनी जगह हैं और YouTube पे जो स्टडी हो रही है वो भी अपनी जगह है, मगर वो तो पढ़ा ही रहे हैं, मगर आप नहीं पढ़ने को तैयार होंगे तब तक आपको कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आपके जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं वो निकलने वाले कन्फर्म हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है, इनसे जब पूछा गया कि कैसे, मतलब आप मोटिवेटेड हुए या पढ़ाई वगैरह कैसे की, तो एक चीज़ इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया। देखिए, हर किसी चीज़ का एक एग्ज़ाम होता है, चाहे आप रेलवे का देखेंगे, आप यूपी ट्रिपल एससी का देख लीजिए, या फिर अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था वो देख लीजिए। हर एग्ज़ाम का पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है, अगर आपने वो जज कर लिया और वो ठीक तरीके से आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, फिर आप उसकी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं और उसमें प्रदर्शन भी अच्छा कर सकते हैं। मगर आजकल के बेरोजगारी के दौर में हो क्या गया है दोस्तों, कि हम लोग हर चीज़ का फॉर्म भरते हैं, चाहे रेलवेज का हो, चाहे एसएससी का हो, पीसीएस का हो, मतलब इतने सारे मल्टीपल हम फॉर्म भरते रहते हैं, जिस चक्कर में जो है हम बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न से तो भटक ही जाते हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा, जिस भी एग्ज़ाम के प्रति हम ज़्यादा गंभीर हैं कि ये वाला एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, तो उसमें आप उसका पैटर्न, जो प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह हैं और जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, तो उसे ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए, जिससे कि जो है आपको पता चल पाए कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। और रही बात हॉबीज़ की, तो इन्होंने बताया था कि हॉबीज़ में क्रिकेट और फुटबॉल काफ़ी पसंद था और पसंद है अभी भी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह थे फ़ोन पे, उनसे देखकर ऑब्जर्व किया, देखा, और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए आपको। वैसे हो सकता है कई लोगों ने देख भी लिया हो, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें, काफ़ी, क्योंकि देखिए इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम लोग सोचते हैं कि सारी चीज़ें छोड़नी होंगी, उसी के बाद पढ़ाई हो सकती है, ऐसा नहीं है। इनका शौक क्रिकेट में भी रहा है, फुटबॉल में भी इनका रहा है, और एक यूटोपियन माइंड के रहे हैं। यूटोपियन एक इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें आपने देखा होगा एक यूटोपिया, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सब कुछ, सारी व्यवस्थाएँ ठीक प्रकार से चल रही हों, और यूटोपियन ऐसा पर्सन जो कि इस चीज़ को पसंद करता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और यही सब सोच के इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और आप देख रहे हैं कि टॉप रहे। तो हमारी तरफ से कनिष्क कटारिया जी को बहुत बहुत बधाई, और मैं यही चाहूँगा जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो भी तैयारी करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है सीधे से सिविल सर्विस की तैयारी करने लगें, आपको जो भी आप तैयारी कर रहे हैं है ना, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, उसका सबसे अच्छा नमूना ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उससे आप बहुत ही अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से और भी मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।